पीटीए ने नाकामी देखकर तरनौल का जलसा मंसूख किया और तासुर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मंसूख करने के लिए कहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जलसा मंसूख करने के लिए नहीं कहा था, कामयाबी नजर आ रही होती तो बानी पीटीआई कभी जलसा मंसूख ना करते, अंदरूनी इख्तलाफात तो तकसीम की वजह से पीटीआई शिकस्त का शिकार है। नाकाम हो रहा था जलसा, जो है मुलतवी कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, एस्टेब्लिशमेंट में कथित तौर पे उनको नहीं कहा कि जलसा जो है मंसूख करें। सुबह 7:45 बजे कई माह से स्वाति साहब का कोई रबता नहीं था, ये अचानक स्वाति साहब वहाँ पे किस तरह पहुँच गए। जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तियाँ बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करा। डिवीजन की वजह से, एक इस ग्रुपिंग की वजह से पार्टी जो है पीटीआई जो है शिकस्त रेख का शिकार हो रही। 1.5 साल है गुजर चुका है लेकिन 9 मई के जो मुजरम, जो रियासत के मुजरम हैं, आपकी सालमियत के मुजरम हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बल्कि उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और ये एक बड़ी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ये इस तसादम के अंदर जो है कानूनी और आइनी अदारों ने भी एक पोजीशन ली हुई है।